subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धागर डिफेंस एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। जो भी बंदे इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए टेंथ पास ओनली एंट्री आई हुई है यहाँ पे। इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट कब है इसकी और सिलेबस क्या है इसका, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप धागर डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें सब, पूरा नोटिफिकेशन जो भी आया है उसके बारे में अपन जानते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ये फुल नोटिफिकेशन है इसका इंडियन कोस्ट गार्ड का। यहाँ पे डोमेस्टिक एज ए नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं 10th पास ओनली। कौन सा बैच है? 02/2019 बैच है। इसके फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करने की डेट है 5 जून से 10 जून के बीच में ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। आगे इसके बारे में जानते हैं फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो अगर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया देखें, एलिजिबिलिटी क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास विथ 50% मार्क्स ओनली। 50% मार्क्स हैं जिन बंदों के, वो 10th पास, वो फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं। किस किस के लिए है यहाँ पर जॉब, किस किस के लिए है? एक तो कुक वालों के लिए होगा, एक स्टूअर्ट कुक में जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भोजन जो भी होता है वो सब, स्टूअर्ट में साफ़ सफाई, वेटर, हाउसकीपिंग वगैरह वगैरह ऐसा होता है कुछ, है ना। एंड एज की बात करें हम, एज इसकी क्या है, एज है 18 to 22 years, यानी 18 से 22 साल के जो बीच में आते हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज ऑन 1st October 2019 से काउंट किए जाएंगे। और जो भी बंदे बॉर्न 1 October 1997 से 30 September 2001 तक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ वेरी करती है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए एज रिलैक्सेशन भी है, 5 years का SC और ST वालों के लिए एंड 3 years फॉर OBC कैंडिडेट, जिनके पास ही कास्ट सर्टिफिकेट होगा उनके लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड अदर एक और बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर फोर में है पे पर्क्स एंड अदर बेनिफिट, मतलब इसमें कितने पैसे कितने मिलते हैं क्या है। तो स्टार्टिंग बेसिक पे नाविक के लिए है 21,700 रुपये एंड बाद में प्रमोशन होने के बाद हो जाता है जी 47,600 रुपीज़ होगा, ठीक है ना। और जी अदर बेनिफिट्स वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, 45 डेज की लीव होती हैं, 8 डेज कैजुअल लीव होती है एंड ये सब इसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है ओनली फ्रॉम 5 जून to 10 जून, जो कि मैंने हाईलाइट करके रखा है, टिल 17 यानी 5 PM तक वैलिड रहेगा। केवल ओनली 5 जून से 10 जून तक आपके पास टाइम है ऑनलाइन करने का। आप जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी 5 जून से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, है ना। अगली है इसमें क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, वो अभी देख के बताते हैं यहाँ पे। अब हाँ, जे नेक्स्ट है एडमिट कार्ड कब आएंगे इसके, एडमिट कार्ड आएंगे फ्रॉम 20 जून to 26 जून ओनली इस डेट के बीच ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद शायद लिंक वो एक्टिव करें वरना नहीं, लेकिन आपको इसी डेट के अंदर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने हैं। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ ऑल एप्लीकेशन। इसका मतलब है अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कैंसिल, आपकी सारी एप्लीकेशंस को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 10 जून 2019, तो 10 जून इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। एंड अदर है एग्जामिनेशन सेंटर, तो नॉर्थन जोन के एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होंगे, नोएडा यानी स्टेट्स, इसके अंदर ये सारे आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एसेक्टर। एंड नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में कोलकाता सेंटर रहेगा इसका, इसमें ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं, बिहार, झारखंड, मिजोरम, है ना। एंड ईस्टर्न जोन में देखें तो चेन्नई इसका एग्जाम सेंटर रहेगा,
वेस्टर्न जोन में मुंबई होगा, वेस्टर्न जोन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक वगैरह ये सब आएंगे। नॉर्थ वेस्ट जोन में गांधीनगर यानी गुजरात के गांधीनगर में होंगे, है ना। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसका? ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी सॉर्टेड आउट सेंटर वाइज एंड कंडक्ट टेस्ट इज प्लान ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून जुलाई। मतलब इसका पेपर जो होना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो जून या जुलाई में समथिंग होगा, है ना। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ पार्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट किए जाएंगे वो हायर परसेंटेज वालों को सबसे पहले लिया जाएगा। क्वालिफाइंग कट ऑफ ऑफ परसेंट ऑफ पार्टिकुलर सेंटर मे बी इंक्रीज इफ मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशन विद हायर परसेंटेज। मतलब ज़्यादातर लोग अधिक नंबर लाते हैं और अच्छे अच्छे परसेंटेज हैं तो कट ऑफ वेरी कर सकता है, ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस होगा, रिटन एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्ट आएंगे इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरेंस यानी करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दोनों आ जाएंगे इसमें, एंड रीजनिंग आएगी वर्बल एंड नॉर्मल। ये इतना सारा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये यहाँ पे इसका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है, आराम से हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या होगा, दोज हु क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन विल अंडरगो फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जो भी बंदे पास होंगे वो PFT के लिए अप्लाई होगा, और इनिशियली मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसी टाइम पे। यहाँ पे 2 से 3 दिन लगते हैं इसमें। फिजिकल फिटनेस में क्या होता है, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर रनिंग होती है, कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स में। 20 स्क्वेट्स यानी उठक बैठक होती हैं, 10 पुशअप, नॉर्मल फिजिकल रहता है। इसके बाद आपको मेरिट आती है और सब हो जाता है। अब सिलेक्ट लिस्ट कब आएगी इसकी? सिलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल वैकेंसी। जोन वाइज सिलेक्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड इन द इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर महीने में, ठीक है ना, 2019 में। और फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं, जे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है यहाँ पे, 3 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ओरिजिनल क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटर्ड है। तो इसको ओरिजिनल कास्ट जी वाला बहुत ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट वाला ले आना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले आना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये सब लाना है। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है, हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 5 सेंटीमीटर बस एक्सपेंस करना है ओनली, वेट हाइट के प्रोपोर्शन होता है, हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए बस, विजुअल स्टैंडर्ड ये सब चलेगा, 6x36 एसेट्रा ये सब है। ट्रेनिंग के टाइम पे बेसिक ट्रेनिंग विल कमेंस इन अक्टूबर, सितंबर में आपको लिस्ट आ जाएगी, अक्टूबर में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी एट INS चिल्का, उड़ीसा के अंदर होता है ये सब। तो इतना सारा ये सब था, इम्पोर्टेंट जो भी था मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।